अब तक आपने देखा? लो खाओ, खाओ। ठीक है, जो करना है ना वो करो, मत खाओ, मरो। हमारा बेटा का माथा ना वैसे ही खराब है, इससे उलझने का फल ना। चलो रसोई में चलते हैं। ये पंचायती रसोई में भी किया जा सकता है। अब देखिए आगे। क्या कर रही हो? वही कर रहे हैं जिसमें आपने फंसा है। ये सब आपकी पटर पटर की वजह से ही हुआ है। हमने क्या किया? इस सारा किया था तो हमारी बहू का निकाह देखते नहीं हो? जरूर इसने लकड़ी के कान में मिर्ची डाली होगी, जैसे कि हम इस घर में कोई काम ही नहीं करते। बताओ, और मिर्ची है कहाँ? दरवाजे पर आग लगा के बुढ़िया माँ को निकाला भी है, और अब हमारे ही हाथ से खाना बनवाकर बुढ़िया माँ को खिलवाया। खाना ना तुमको बहुत महंगी पड़ेगी दुल्हन। अरे क्या आवाज निकाल रही हो रसोई में से? खाना बना रही हो, युद्ध कर रही हो? हाँ, लाते हैं, बन गया, अभी लाते हैं। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी जल्दी। गर्मा गर्म। बड़ी अम्मा, छोटी अम्मा, आप लोग शुरू कीजिए। हम माया भाभी के साथ बाद में ही खा लेंगे। का है? तुम्हारे लिए कोई अलग से पकवान बनाया का? चुपचाप से बैठो, खाओ। तो सब लोग खा रहे हैं, आपका पूरे बेगूसराय को खिलाने के बाद तुम्हारा नंबर आएगा। खाओ। क्या देख रही है? चलो खाओ। अरे मुंह खोलो।
अरे अम्मा पानी लेके आओ, देखो पीछा लगाया है पूनम को। हाँ पानी लाते हैं। देखो 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 देखो, किसी रानी की तरह हमारे बेटे के हाथ से खाना खा रही है। खाना आज मुझसे पहले ना दोनों मिलकर ऐसा सबक सिखाएंगे तुमको कि जिंदगी की पूरी दूसरों का भला करने की सोचोगे भी नहीं। देखो हमको ना बहुत बुरा लग रहा है, देखो तू बेगुसराय की रानी होकर खाना बना रही हो। इतने समय बाद लाखन हम सब के साथ बैठ के खा रहा है। ए बैल बुद्धि, कुछ याद है? बचपन में रेखा दुल्हन खाने की थाली लेके सारा दिन तुम्हारे आगे पीछे घूमती थी, पर अंत में खाना तो तुम हमारे हाथ से खाते थे। लो आज फिर एक और खा लो हमारे हाथ से। लो ना, वो बचपन रहा और ना वो बचपन, बड़े हो गए हैं। बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, पर बड़ों के लिए वो बच्चे ही रहते हैं हमेशा। ना वो प्यार बदलता है और ना ममता, और ना बड़ों के हाथ से बने हुए निवाले का स्वाद। चलो मुंह खोलो, खोलो मुंह, वरना आज भी दुल्हन के सामने तुम्हारे कान पकड़ के मुंह खुलवाना पड़ा ना तो क्या इज्जत रह जाएगी लाखन ठाकुर की। तुम खाना खा के उठना, हमारा पेट भर गया। हम सबसे सचमुच बहुत दूर चला गया। ऐसा मत सोचिए बड़ी अम्मा, हम जब से बड़ी हवेली में बहू बनकर आए तब से लेकर आज तक इनके स्वभाव में बहुत बदलाव आए, और हमें लगता है कि बहुत जल्दी अपने सारे गिले शिकवे भुला देंगे।
और इस घर को उसका खोया हुआ बेटा वापस मिल जाएगा, ये विश्वास है हमारा। तुम्हारे विश्वास पे हमें पूरा विश्वास है पन्नी। तो ये राधा है, बहुरानी ये सब ड्रामा करके है हमारा बेटे का आग को शांत करना चाहती हो? ना, इतना आसान नहीं है। 25 साल से इस सीने का आग ना हम अपने बेटे के दिमाग में मले हैं। आज इस परिवार के खिलाफ हमारा बेटा ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी ही रहे तो ही हमारे लिए बेहतर है। और अपने दुश्मन को ना कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। माना आज पूनम का कोशिश नाकाम रहा, लेकिन कल इसका कोशिश कामयाब हो गया तो अगर ये पूरा परिवार एक हो गया ना तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये हमारे कमर की चाबी और हमारा राजपाट, हमारा ओहदा कुछ भी काम नहीं आएगा। अगर हमें अपना ओहदा बनाए रखना है ना तो कुछ करना होगा, और इस बार ऐसा कुछ करेंगे कि हमारा वर्चस्व ये पूनम ही क्या, इस घर का कोई भी औरत तोड़ ना सके। आज इतने दिनों बाद बड़ी अम्मा को खुश देखे हम। कह रही थी कि बोले थे ना कि इस परिवार में कोई जिए मरे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर काहे किया, काहे करवाया हमसे ऐसा? आइंदा ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, समझी तुम? लेकिन लाखन ठाकुर, ये भी तो आपका ही परिवार है ना, और आज बड़ी अम्मा की बातों से ऐसा लगा कि कभी आप लोगों के बीच बहुत प्यार था। उताब, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब हमें लगता है कि इस परिवार के करीब रहना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। ता नहीं कि हमने इनके लिए एक इशारे पे नाचते फिरते थे, का मिला न मान न सम्मान कुछ नहीं। फुलन ठाकुर, तुमको हमसे छीनने की कोशिश किए। अरे हम तो कहते ना साला, ये लोग कोई लायक ही नहीं हमारे, इनसे कोई रिश्ता ही नहीं रखना हमको। अपने ही परिवार के लिए कितनी कड़वाहट है लाखन ठाकुर के मन में, नाम लेते ही गुस्सा हो जाते। पर हमें बिना डरे किसी भी तरह इन्हें इस परिवार से फिर जोड़ना हो, अपनी कोशिश नहीं छोड़ेंगे। आप एक बात भूल रहे हैं लाखन ठाकुर, बड़ी अम्मा भी इसी परिवार से, और वो हमारी शादी के पक्ष में थी। उन्हें पता था कि हमें बिना बताए आपके पास आ रहे, लेकिन उन्होंने इस बात का विरोध नहीं किया। तू बड़ी अम्मा नहीं, उनके मन का डर था। उनको पता था कि कहीं जो तुम्हारी शादी किसी और से हो गई ना तो लाखन ठाकुर पूरे बेगूसराय को शमशान भूमि बना देगा। तुमको पाने के जुनून ने उनको घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया, और काहे नहीं करते, तुमसे इतना प्यार करते हैं, तुम्हारी शादी किसी और से होते हुए नहीं देख सकते थे,
इसलिए ना हमको, इसलिए आपने उस मासूम परिवार को जिंदा चला दिया जो हमारे बाबा के कहने पर हमारे लिए रिश्ता लेकर आए। यही सोचती हो, 10 साल में यही जानती हो हमारे बारे में। तो आप आज ना तुमको दिखाते हैं। लेकिन हाय हमारा पैर, आज इतना खाना बनवाया है ना इस परिवार ने कि हम भूलेंगे नहीं कभी। इतना खाते हैं ये लोग जैसे इंसान की नहीं बकासुर की औलाद हो। इतना खाना किसके घर में बनता है भाई? इतनी मेहनत तो हम बेगूसराय की रानी बनने के लिए भी नहीं किए। जितना इंप्रेशन बनाया था ना बड़ी अम्मा को कोठरे में बंद करके, ये लाखन ने सब पर पानी फेंक दिया। वैसे तो इस पति पत्नी के बीच में बिल्कुल नहीं बनती, आज बड़ा प्यार जाता रहा था अपनी उस निकम्मी पत्नी पूनम पर। पूनम की भी किस्मत अपने पति के हाथ से खाना खाती है, गोद में उठाकर ले जाई जाती है। एक उसका पति है और एक हमारा। इनसे तो मालिश करवाने के लिए पहले हमको नौटंकी करनी पड़ती है। हमारी भी किस्मत ना भगवान ने कोयले से लिखी है। अब ये लो, ये ऐसे मुस्कुरा कह रहे हैं। अब इनको तो भूख नहीं लग गई ना? नहीं, अब हम उस रसोई में ना बिल्कुल भी कदम नहीं रखेंगे। अगर इन्होंने खाने का नाम भी लिया ना तो हमारा दिमाग ऐसा बौराया हुआ है कि हम इनको ही तवा पे ना तलकर खा जाएंगे। ये हमको देखकर कृष्णा जी की तरह मंद मंद मुस्कुरा कह रहे, जरूर हमको दर्द में देखकर ना इनको सुकून मिल रहा होगा। आप हमें कहां ले जा रहे हैं लाखन ठाकुर? लाखन ठाकुर हमें दर्द हो रहा है। ऐसे चल पाती हम कहां लेके जाते? बताइए, हाथ चलने का बहाना बनाकर पूरा दिन हमसे खटवाया, सारा काम करवाया हमसे, अभी महारानी सैर सपाटे पर जा रही है। लेकिन क्या कह रहे हैं दोनों? ये आप हमको कहां लेकर आए? तुम्हारे सवाल के जवाब देने के लिए आओ। झांको, thank you.
रोटी काहे खा रहे हो? तरकारी लो। बस बस माँ बस। अरे ऐसे क्या, अभी तो आपको खीर भी खानी है। हो गया मेरा। ये सब तो जिंदा है, यानी लाखन ठाकुर ने किसी को नहीं मारा। हम आज तक इनको कितना गलत समझते रहे, पर इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। लाखन ठाकुर हमको, देखो हम जानते हैं कि हम ना अच्छे इंसान नहीं, बहुत बुराइयां हैं, बहुत गुस्सा आता है जो कि तुम्हारे ऊपर निकाल भी देते हैं, बहुत कांड भी किए हैं, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी हम ही मानते हैं कि अगर किसी इंसान के दिल में किसी के लिए सच्चा वाला प्यार हो ना, तो वो राक्षस नहीं हो सकता।